दस दिन बाद चुनाव है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का, और ये चुनाव ये तय करेगा कि राजस्थान के और संगरिया के युवाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य, व्यापारीगणों का भविष्य है। क्योंकि देश के अंदर दो ही विचारधारा ऐसी है, एक विचारधारा वो है जो जोड़ने का काम करती है, ये गारंटी यात्रा देख रहे हो आप, इसके अंदर इस बार कांग्रेस की घोषणा नहीं है, इस बार सात गारंटी है। परिवार में महिला तो मुखिया है, उसको 10,000 रुपए देने का काम हो, गोधन की योजना, परिवार में जो पशुपालन करते हैं उनके जो गोबर है उनको 2 रुपए किलो खरीदने का गोधन है, वो राज्य सरकार करेगी। चिरंजीवी योजना, 25 लाख बीमा की योजना हो, युवाओं के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिक्षा फ्री, उनके लिए संसाधन, लैपटॉप, स्कूटी फ्री, 7 योजना, बीमा गारंटी हो, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर हो, किसानों को सुरक्षित रखने को लेकर हो, आम जन परिवार के भविष्य को लेकर हो, इसको लेकर ये यात्रा आज संगरिया के अंदर हमारे बीच आई। और निश्चित तौर पर इस गारंटी के आधार पर इस बार संगरिया का आम जन, किसान, युवा, व्यापारी, मजदूर कांग्रेस को लाने का काम संगरिया विधानसभा में करेगा। पिछले 10 वर्षों से भाजपा का प्रतिनिधि नेतृत्व यहां पर रह रहा है, पिछले 5 वर्षों से भाजपा का नेता का प्रतिनिधि यहां पर है। एक काम मुझे ये बता दो भाजपा का जो उन्होंने व्यापारी, किसान, गरीब और युवा के हित में किया है, एक काम जो वादे भाजपा के नेता करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके नहरों के लेवल सही कर देंगे, आपके मोगों का काम होगा, युवाओं को हम रोजगार देंगे, सफेद पाउडर से मुक्त करवा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बार भी यहां के प्रतिनिधि ने कभी इन मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन से बात भी की क्या? एक बार भी बात की क्या कि यह मुद्दा हमारे बीच है? आज से 6 महीने, 1 साल पहले शहर के अंदर कभी हत्या, कभी व्यापारी को लूटना, कभी चैन छीन के ले जाना, ऐसी घटनाएं आम हो गई है। इसके रोकथाम के लिए एक बार भी स्थानीय प्रतिनिधि बैठा क्या धरने पे? आपके बीच कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने सेवा करने के लिए जो प्रत्याशी भेजा है, 12 साल से संगठन में मैं काम कर रहा हूं, साधारण किसान परिवार का लड़का हूं, यहां पर सरकारी महाविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, तो पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला गया और जयपुर में पढ़ाई करते करते राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़ा, एनएसयूआई की विचारधारा, यूथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, एनएसयूआई में प्रदेश में अध्यक्ष का मौका मुझे राजस्थान के युवाओं ने दिया, पार्टी ने दिया, 5 साल तक बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी के वसुंधरा राजे की सरकार को घेरने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया, और अब यूथ कांग्रेस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी ने दिया, और आपके बीच संगरिया से कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर सेवा करने के लिए मुझे पार्टी ने भेजा, राहुल गांधी जी का और सिर्फ आला कमान और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त मैं करता हूं। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि युवाओं के रोजगार के भविष्य की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसान के सहूलियत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, व्यापारी के सहूलियत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन आप लोगों को मजबूत करके जयपुर आप लोगों को भेजना पड़ेगा।
नहीं तो कहते हैं कि राज हमारा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो विधायक होता है वो अपनी विधानसभा का प्रथम व्यक्ति होता है, राज हो चाहे नहीं हो उसका राज हमेशा रहता है। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई करने गया, साधारण किसान परिवार का हूं, किसी का नुकसान आज तक मैंने किया नहीं और किसी की व्यापारी की गाड़ी में अफीम रखने का काम तो मैं कर नहीं सकता। अब आप सोचो कि एक दुकानदार 20x40 की जो अपना सुबह आता है और शाम को जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अब 20x40 की हनुमान मंदिर के ट्रस्ट की दुकान को छुड़वाने के लिए आप उस व्यापारी को एनडीपीएस का केस अफीम रखवा के पिछवाओगे? ये कहां उचित है, कहां न्याय है? अगर ये न्याय है, अगर ऐसे सत्ता में आना है तो संगरिया यूपी बिहार जैसी स्थिति संगरिया शहर और टिब्बी शहर के अंदर हो जाएगी, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैं तो व्यापारी बंधुओं से, किसान बंधुओं से, युवा साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में उस विचारधारा को चुने, उस पार्टी को चुने, उस व्यक्तित्व को चुने जो आपकी लड़ाई को मजबूती से यहां और जयपुर और दिल्ली के अंदर लड़ सके। स्थानीय नेता हमारे बीच मौजूद है, हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय चिकारा जी मौजूद है, एनएसओए के राष्ट्रीय सचिव गौरव तुसीर जी मौजूद है। पिछले 12-13 वर्षों से हम लोग पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां हमें मौका मिला वहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आपके बीच ये सब लोग कांग्रेस पार्टी को संगरिया से जितवाने के लिए आए हैं। आप हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिलाओ कि मजबूती से 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बूथ पर मजबूती से डटे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके इलाके का रहने वाला हूं, पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी के सत्ता सिपाही हूं, जहां पार्टी ने भेजा है वहां पार्टी के लिए काम किया है। आपके लिए काम करने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आपके लिए भी विश्वविद्यालय यहां खुल सकता है, महाविद्यालय यहां खुल सकता है, कृषि विश्वविद्यालय यहां खुल सकता है। केशवानंद जी की धरती है ये, कृषि में और शिक्षा में सबसे पहले अगर नाम आता था तो संगरिया का नाम आता था, लेकिन आज कोटा और सीकर हमारे से बहुत आगे चले गए। सफेद पाउडर का गढ़ हमारा क्षेत्र बन गया है। अगर इससे मुक्ति दिलाना चाहते हो, भ्रष्ट प्रशासन से मुक्ति लेना चाहते हो, ये दलाली प्रकरण से मुक्ति लेना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना, अभिमन्यु पूनिया को वोट देना, अपने आप को वोट देना, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आने वाले भविष्य आपका वोट तय करेगा, आपकी वोट की ताकत तय करेगा और 10 दिन का समय है अपने गांव और गली और अपने बूथ को मजबूत करने का काम करना है। बेकावे में मत आना, बैरूपी आएंगे, एक महीने आते हैं, ये इसके बाद चले जाएंगे, ठगने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस पार्टी ने काम किया है, जिस पार्टी की विचारधारा काम करने की है और आपके बीच जो मैंने बोला है उसमें फर्क नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा और जिन लोगों ने वादे किए थे कि 24 घंटे हमारे कार्यालय खुले रहेंगे, एक महीने भी कार्यालय खुले रखे क्या उन्होंने? एक काम मुझे बताइए, आपकी एक काम हमने ये किया है, कुर्सी आपने दी है, कुर्सी जनता देती है लोकतंत्र के अंदर और जनता सर्वोपरि है। जो जनता बोल देती है, जो जनता करती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है लोकतंत्र के अंदर। अगर आप लोग अपने वार्ड बूथ और गांव को मजबूत कर लिया तो 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा
वो संगरिया और टिब्बी का भविष्य तय करेगा और संगरिया और टिब्बी के युवाओं, किसानों और व्यापारियों का भविष्य तय करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि बिना सरकार होने के बावजूद भी व्यापारियों और किसानों के साथ अत्याचार किया गया है, तो आने वाले समय में 20x40 की दुकान नहीं छोड़ रहे, तो ये सोचो कि जब राज मर गया गलती से और कुछ हो गया तो क्या करेंगे। अगर मजबूती से रहना है, मजबूती से युवाओं का रोजगार और युवाओं के भविष्य का नव निर्माण करना है और सफेद पाउडर से मुक्ति दिलवानी है, तो कांग्रेस को लड़ा, कांग्रेस को जिताना, अपने आप को वोट 25 तारीख को देना। ये मैं कहना चाहूंगा तमाम जनप्रतिनिधिगणों का, यहाँ पर उपस्थित माता पिता समान बुजुर्गगणों का, व्यापारीगणों का मान सम्मान देने के लिए, इस गारंटी यात्रा को सफल बनाने के लिए पहली बार किसी पार्टी ने योजना और घोषणा नहीं की है, गारंटी दी है। कांग्रेस गारंटी दे रही है आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और देश के अंदर आने वाला समय युवाओं का है, आपका है, किसानों का है। किसानी और जवानी को बचाना है तो 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष के अंदर वोट करना, यही अपील करता हूं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।